In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in today's session. Today we are going to talk about establishing strategic pay plans. अभी तक जो हमारी डिस्कशन चली है वो कुछ इस तरह से है कि हमने शुरू में HRM के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR को देखा, उसके बाद हमारी जो थॉट थी वो HR फंक्शनैलिटीज पे शुरू हुई और हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इसके ऊपर बात की, इंटरव्यू एंड टेस्टिंग टेक्निक्स इसको हमने गो थ्रू किया, HR प्लानिंग के ऊपर हमने डिस्कशन की कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैरियर काउंसलिंग, इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर किए। अब मौजूदा चैप्टर में हम ये डिस्कशन करेंगे कि वो तमाम लोग जो हमारे पास काम कर रहे हैं उनको उनके काम के इवज हमने जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं वो किस तरह प्लान किए जाते हैं, किस तरह उनकी सैलरीज को डिजाइन किया जाता है और किस तरह उनके कंपनसेशन प्लान्स को, पे प्लान्स को हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो लिंक अप कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की डिस्कशन होगी। सबसे पहले हमारी डिस्कशन का आगाज हो रहा है डिटरमिनिंग पे रेट्स के साथ और हम डेफिनेशन डिस्कस करने लगे हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन की। एम्प्लॉय कंपनसेशन का मतलब है ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज एंड अराइजिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट, कि आप अपने तमाम एम्प्लॉयज को किस तरीके से कंपनसेट करोगे और उसमें आपकी पे जो महाना बेसिस पर आप अदा कर रहे हो और उनके रिवॉर्ड्स जो अदर देन पे आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो उन सब चीजों को गो थ्रू वो किया जाता है। कंपनसेशन और रिवॉर्ड्स के वर्ड्स में एक फर्क भी है और वो ये है कि कंपनसेशन हम उस वक्त एक्सप्रेशन यूज करेंगे जब हम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड के अगेंस्ट उनको कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने जितना काम परफॉर्म किया उसके इवज, काम के इवज आप उनको एक बेनिफिट, एक मॉनेटरी रिवॉर्ड वो पे कर रहे हो। लेकिन जब हम सिर्फ रिवॉर्ड का वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होगा ओवर एंड अबव द कंपनसेशन। इसमें अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इसको नहीं देखा जाता, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट, जैसे कि हाउस रेंट। अब हाउस रेंट, हेल्थ बेनिफिट, दिस इज नॉट सब्जेक्टेड टू कि उसने वहां पर काम कितना अदा किया है। लिहाजा जब हम कंपनसेशन का प्योरली वर्ड यूज करेंगे तो उसमें दो मेन चीज हम ऐड कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं सैलरी और दूसरे को हम कह सकते हैं वेजेस। सैलरी अमूमन मंथली बेसिस पर डिटरमिन की जाती है और जब हम वेजेस की बात कर रहे हैं तो वेजेस की दो सूरतें हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं। एक आपकी वेज रेट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड और दूसरा वेज रेट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड, ठीक है, जिसको आवरली वेज रेट भी कहेंगे और पीस रेट भी कहेंगे। सो वेज और सैलरी ये आपके जनरली स्पीकिंग प्योरली कंपनसेशन से रिलेटेड चीजें हैं और उसके अलावा आपका हेल्थ बेनिफिट, आपकी इंश्योरेंस, आपका हाउस रेंट, मोबाइल का खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल, ये सब जो चीजें होंगी दे आर मोस्टली द
द पार्ट ऑफ रिवॉर्ड्स जो के अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म के साथ डायरेक्टली लिंक्ड वो नहीं होते। द सेकेंड डेफिनेशन वी हैव इज डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स का मतलब है पे इन द फॉर्म ऑफ वेजेस सैलरीज इंसेंटिव्स कमीशंस एंड बोनसेस, और नो डाउट इसमें हम डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बात वो कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स की डेफिनेशन है कि पे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट सच एज इंश्योरेंस, जिसमें कि आप डायरेक्टली कैश प्रोवाइड नहीं करते हो लेकिन अदरवाइज उसको एक सिक्योरिटी एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। अब हम कुछ कॉर्पोरेट पॉलिसीज कंपेटिटिव स्ट्रेटजी एंड कंपनसेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अलाइंड रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। अब हमने रिवॉर्ड स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट में लेकर आना है। सो द एम्प्लॉयर्स बेसिक टास्क इज टू क्रिएट अ बंडल ऑफ रिवॉर्ड्स, अ टोटल रिवॉर्ड पैकेज स्पेसिफिकली aimed at eliciting the employee behaviors the firm needs to support and achieve its competitive strategy. तो अब यहां पर हमने जो major points देखे इस statement के अंदर कि आपके जो basic tasks हैं, आपको जो KRA, KPA, KPIs allocate किए गए थे उनके साथ हम associate कर रहे हैं rewards को, और उस total reward में जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब कुछ शामिल होगा, उसका मेन टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम एम्प्लॉई से वो बिहेवियर डिमांड कर सकें जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए और जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना कंपेटिटिव एडवांटेज वो क्रिएट कर सके, अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी उसको ब्रुएकार बुला सके। सो द एचआर और कंपनसेशन मैनेजर will write the policies in conjunction with top management in a manner such that the policies are consistent with the firm's strategic aims. Lehaza, ab organization mein hierarchy ke mutabik HR ka manager ya agar wahan par ek separately defined compensation manager hai based upon ki wahan par number of employees kitne kaam kar rahe hain, wo log फिर जनरल गाइडलाइंस बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे टॉप मैनेजमेंट के कंसेंट के साथ, उनके अप्रूवल के साथ, जिसमें के एम्प्लॉइज से काम का लिया जाना वो मतवक्को हो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अब जब हम एक रिवॉर्ड स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं तो इन सवालों को वो जहन में रखना होगा। सबसे पहला इशू जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि व्हाट आर अवर कंपनीज की सक्सेस फैक्टर्स। सो ऑर्गेनाइजेशन के KSFs क्या हैं, की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं? की सक्सेस फैक्टर्स हम ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं जो एक इंडस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर ले तो वो सक्सेस की तरफ अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देती है। सो ऑर्गेनाइजेशन के की सक्सेस फैक्टर्स को सबसे पहले हम देखेंगे ताकि हम अपने सक्सेस फैक्टर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एम्प्लॉइज का जो रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है उसको डेवलप वो करके। सो व्हाट मस्ट अवर कंपनी डू टू बी सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग इट्स मिशन और अचीविंग इट्स डिजायर्ड कंपैरेटिव पोजीशन। सो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि आप का रीजन फॉर एग्जिस्टेंस वो क्या है, आपका पर्पस ऑफ बीइंग क्या है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, और इस मिशन एंड विजन की इलैबोरेशन में आपके ऑब्जेक्टिव डेफिनेशंस क्या है, आप अपने आप को लॉन्ग टर्म सर्वाइवर और अबव एवरेज रिटर्न उसमें कैसे लेकर जा सकते हो, आप सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज वो कैसे अचीव करोगे। सो इन तमाम बातों को सोचकर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज हैं उनके KRA, KPA, KPIs भी डिफाइन कर सको और उसके अगेंस्ट उनको कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स वो भी दे सको। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको स्ट्रेटजी रिवॉर्ड स्ट्रेटजी को बिल्ड करते वक्त
वो ज़हन में रखना है, दैट इज व्हाट आर द एम्प्लॉई बिहेवियर्स और एक्शंस नेसेसरी टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट दिस कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। अब हमें ये देखना है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ अवर मिशन एंड विजन, हमने KSFs अपने डिफाइन किए, सो उस मामले में एम्प्लॉई का कौन सा बिहेवियर वो हमें रिक्वायर्ड है जिससे कि हम अपने टारगेट्स को ऑब्जेक्टिव्स को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको जहन में रखना होगा कि व्हाट कंपनसेशन प्रोग्राम्स शुड वी यूज टू रीइंफोर्स दोस बिहेवियर्स, मींस आपने उनको मोटिवेट कैसे करना है इंट्रिंसिकली भी और एक्सट्रिंसिकली भी। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ ईच प्रोग्राम इन रीइंफोर्सिंग ईच डिजायर्ड बिहेवियर, और आप जो भी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो रिवॉर्ड के हवाले से, आप जो भी प्रोग्राम तश्कील दे रहे हो उस प्रोग्राम के मुताबिक लोगों का डिजायर्ड बिहेवियर वो किस तरीके से रीइंफोर्स होगा। एंड ऑब्वियसली जब हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होगी कि आप उनको कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होगी कि आप उनकी तनख्वाह से कुछ पैसे काट रहे हो अगर वो अपना डिजायर्ड बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वहां पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। द फोर्थ क्वेश्चन विच वी हैव टू फोकस अपॉन is what measurable requirements should each compensation program meet to be deemed successful in fulfilling its purpose. So aapne jab measurable requirements develop karni hai to measurable requirements mein no doubt aapki baat ka aghaaz jo kiya jayega it would be from KPIs ke tamam employees ki jobs mein smart KPIs wo defined ho taaki hum un measurable tasks उन मेजरेबल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोगों को मेजरेबल कंपनसेशन वो प्रोवाइड वो कर सकें। सो हाउ वेल डू आवर करंट कंपनसेशन प्रोग्राम्स मैच दीज रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही साथ हमें अपने मौजूदा कंपनसेशन सिस्टम को भी एनालाइज करना है, उसका भी ऑडिट करना है ये देखने के लिए कि क्या हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर हम एक चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कि सपोज एचआर का डिपार्टमेंट पहले नहीं था, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट बनने के बाद हम चीजों को विजुलाइज करना चाहते हैं कि हमारा तमाम सिस्टम हमारी तमाम स्ट्रेटजीज पॉलिसीज वो अलाइनमेंट में हो, और कहीं पर किसी एम्प्लॉई को हम नाजायज सैलरी वो ना दें, ना उसकी नजायज सैलरी काटें, ना उसको नजायज सैलरी हम दें, मींस कि उसकी सैलरी तमाम लोगों के साथ इक्विटेबल होनी चाहिए। बिकॉज बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बाज़ लोगों की सैलरी वो रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो डिफाइंड लेवल होगा उससे ज्यादा होती है, और बाज़ औक़ात लोगों की सैलरी जो है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से कम होती है। इस टॉपिक को अभी हम आगे चलकर स्लाइड्स में कवर करेंगे, जिसके तहत हमारे पास दो तरह के एम्प्लॉइज आएंगे, एक ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज और एक रेड सर्कल एम्प्लॉइज। सो रेड सर्कल एम्प्लॉइज वो लोग हैं जिनकी सैलरी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से ज्यादा है, और ग्रीन सर्कल एम्प्लॉइज वो एम्प्लॉइज होंगे जिनकी सैलरी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से कम है। लिहाजा इक्विटी क्रिएट करने के लिए, एक तवाजन बरकरार रखने के लिए हमें ऑडिट करना पड़ेगा अपने मौजूदा निजाम का भी, इसमें हम ये देख सकें कि क्या लोगों को रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनसेट बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो कंपनसेशन पॉलिसी इश्यूज हैं उनको हम देखते हैं। कंपनसेशन पॉलिसी इश्यूज में हमारे पास फॉर परफॉर्मेंस ये सबसे पहला एस्पेक्ट है। पे फॉर परफॉर्मेंस का मतलब है जितना आप परफॉर्म करोगे के अगेंस्ट आपको कंपनसेट, अगर आपने परफॉर्म कम किया है तो आपकी पिक होगी, अगर आपने परफॉर्म ज्यादा किया है तो कंपनसेट वो किया जाएगा। इसके बरक्स माजी में एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम पे फॉर सीनियोरिटी कहते हैं, और पे फॉर सीनियोरिटी का मतलब यह है जितने अरसे से कोई आपके पास काम कर रहा है आप उसके सीनियोरिटी के मुताबिक उसको कंपनसेट करोगे। लेकिन
दौरे हाल में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज प्रमोट की जा रही है फॉर परफॉर्मेंस है, बिकॉज हो सकता है कि एक शख्स सो पे फॉर परफॉर्मेंस, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज पे फॉर सीनियोरिटी, और पे फॉर सीनियोरिटी के बाद हम द पे साइकिल को देखते हैं। पे साइकिल से मुराद है कि आपने साल भर में लोगों को कितनी सैलरी वो पे करनी है और एक साल में उनकी टोटल अर्निंग वो क्या होगी और वो किस ग्रेड और स्केल में ऑपरेट कर रहे होंगे। इसके बाद सैलरी इंक्रीजेस एंड प्रमोशंस, ये आपकी पॉलिसी का पार्ट होगा कि आपने उसको सालाना इंक्रीमेंट वो कितने परसेंट देना है। उसके बाद ओवर टाइम एंड शिफ्ट पे, इसके हवाले से बात की जाती है कि वो किस शिफ्ट में काम कर रहा है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहा है, या अगर अपने शिफ्ट टाइम से ज्यादा का टाइम वो यूज कर रहा है फॉर वर्किंग तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट वो कितनी दी जाएगी। सो ये आपका ओवर टाइम एंड शिफ्ट पे के हवाले से ये भी चीज आपकी पॉलिसी में मेंशन वो की जाती है। इसके बाद प्रोबेशनरी पे में हम उन एम्प्लॉइज को कंसिडर करते हैं और अगले सपोज 6 माह तक आप उनको प्रोबेशन पर रखोगे। प्रोबेशन से मुराद ये होती है कि आप चेक कर लेते हो कि क्या ये शख्स हमारे साथ काम कर सकता है, क्या ये शख्स रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस हमें शो कर सकता है। सो ट्रायल पीरियड के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में हम एक प्रोबेशन वो एलोकेट करते हैं और उस प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान उसकी जो कंपनसेशन होती है वो बेसिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही सिर्फ वो दी जाती है। उसमें बहुत सारे पर्क्स अदर बेनिफिट्स वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। सो आपको ये देखना होगा कंपनसेशन पॉलिसी इश्यूज के अंदर के प्रोबेशनरी पे उसकी कितनी डिफाइन वो की जा रही है। इसके अलावा आपको देखना है कि जब एक एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है तो पेड एंड अनपेड लीव्स उसकी कितनी होंगी, पेड हॉलीडेज आपने उसको कितनी प्रोवाइड करनी है और क्या तमाम हॉलीडेज जो ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करेगी वो सब की सब पेड होंगी। सैलरी कंप्रेशन वो आपका डिस्कस किया जाएगा। सैलरी कंप्रेशन की डेफिनेशन को भी हम अगली स्लाइड पर चेक करते हैं, जिससे मुराद ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जो पहले से काम कर रहे हैं और वो लोग जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी के अंदर फर्क उसको डिस्कस किया जाता है इन द टर्म ऑफ सैलरी कंप्रेशन। और जियोग्राफिक कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेस इनको भी देखा जाएगा, जिसके तहत बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को बिग सिटी अलाउंस वो दिया जाता है कि अगर किसी जगह पर रिहायशी अखराजात ज्यादा हैं तो उन रिहायशी अखराजात के मुताबिक हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर एक शख्स की सैलरी ज्यादा हो बनिस्बत उसी डेजिग्नेशन का शख्स अगर किसी और इलाके में काम वो कर रहा है। अब हम सैलरी कंप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सैलरी कंप्रेशन की डेफिनेशन के मुताबिक अ सैलरी इनइक्वालिटी या इनइक्विटी वो आ जाती है जिसमें के तवाजन नहीं रहता लोगों की सैलरीज के दरमियान, जनरली कॉस्ट उसकी वजूहात क्या होती हैं, बाय इन्फ्लेशन के वहां पर उस इलाके में वक्त के साथ मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, वहां पर चीजों की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई, वहां पर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, लोगों के पास बजाहरी तौर पर आमदनी ज्यादा है लेकिन उनकी परचेजिंग पावर रिलेटिवली वो कम है, ये सब इन्फ्लेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो इन्फ्लेशन एक मेजर रीजन हो सकती है कि वहां पर लोगों को ज्यादा सैलरी दी जा रही है, रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज इन अ पोजिशन अर्निंग लेस, कि वो लोग जो वहां पर काफी अरसे से काम कर रहे थे उनकी सैलरी रिलेटिवली कम है देन वर्कर्स एंटरिंग द फर्म टुडे, बस उन लोगों के जिन्होंने आज कंपनी को ज्वाइन किया। नाउ सपोज एक आदमी ने एक ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल पहले ज्वाइन किया
और 10 साल में उसकी एक प्रमोशन हुई और सालाना उसकी जॉब में एक इंक्रीमेंट वो लगता रहा। अब 10 साल पहले जो उसकी सैलरी शुरू हुई थी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक आपने कहा कि हमेशा हम हर साल 10% उसकी सैलरी में इजाफा करेंगे, तो 10 साल के बाद 10% इजाफे के साथ हर साल के मुताबिक उसकी सैलरी एक खास लेवल पर वो पहुंच चुकी है। लेकिन 10 साल के बाद एक शख्स उस ऑर्गेनाइजेशन को उसी पोस्ट पर ज्वाइन करता है जिस पोस्ट पर वो पहले वाला शख्स काम कर रहा था, लेकिन उस नए ज्वाइन करदा शख्स की जो सैलरी है वो उस शख्स की सैलरी से ज्यादा है जो आपके पास ऑलरेडी 10 साल से वो काम कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सैलरी कंप्रेशन, और इसके बैकएंड पर हमने देखा कि मेजर रीजन इज द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पर इफेक्ट करता है लोगों की सैलरीज को भी। अब अगर लोगों की सैलरी के मबैन इक्विटी ना हो तो इक्विटी ना होने की वजह से कुछ इश्यूज हमारे सामने आते हैं, उस टॉपिक को अब हम शुरू कर रहे हैं। द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमारी डिस्कशन है। इट सेज दैट इफ अ पर्सन रिसीव्स एन इनइक्विटी, कि अगर एक शख्स को ये लगे उसको परसीव उसकी परसेप्शन में आए कि उसके साथ इनइक्विटी बढ़ती जा रही है, उसकी सैलरी और उसका जितना वो काम परफॉर्म कर रहा है वो मुताबकत में नहीं है उस शख्स के जो उसी पोस्ट पर शायद उसके साथ काम कर रहा है लेकिन उसकी या सैलरी ज्यादा है या उसका अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म जो है वो कम है। तो इक्विटी थ्योरी का कहना यह है कि अगर एक शख्स को यह परसेप्शन में आए कि उसके साथ इनइक्विटी बढ़ती जा रही है, द पर्सन विल बी मोटिवेटेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट द टेंशन एंड परसीव्ड इनइक्विटी, तो वो शख्स कोशिश करेगा ऐसे इकदाम करने की जिन इकदाम के तहत वो या अपने अमाउंट ऑफ वर्क को कम कर देगा या वो आपसे ज्यादा सैलरी वो डिमांड करेगा। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसके मुताबिक हमारे पास इक्विटी के चार बेसिक कॉन्टेक्स्ट आते हैं। सबसे पहली इक्विटी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब होता है कि हाउ अ जॉब्स पे रेट in one company compares to the jobs pay rate in other companies, ठीक है? कि आप एक जैसी जॉब को देखते हो, suppose marketing manager की जॉब है, so marketing manager की जॉब आपकी organization के अंदर और marketing manager की जॉब किसी और organization के अंदर, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए और देखा जाए कि दोनों मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो काम कितना परफॉर्म कर रहे हैं और अर्न कितना कर रहे हैं, तो इस कंपैरिजन को हम कहेंगे एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का मतलब होगा हाउ फेयर द जॉब्स पे रेट इज व्हेन अर्न कर रहे हैं, सो इस चीज को हम इंटरनल इक्विटी का नाम वो देते हैं। इंडिविजुअल इक्विटी, इससे मुराद होगी हाउ फेयर एन इंडिविजुअल पे एज कंपेयर्ड विद व्हाट हिज और हर को वर्कर्स आर अर्निंग फ्रॉम द सेम और वेरी सिमिलर जॉब्स विद इन द कंपनी। दोबारा से डेफिनेशन को देखिए, हाउ फेयर an individual's pay as compared with what his or her co-workers are earning for the same or very similar jobs within the company. So that is what we call individual equity. Aur zahir hai ki individual equity jo hai wo hamari internal equity ka hi subset wo ban sakta hai. Fourth concept जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ इक्विटी में है दैट इज प्रोसीजरल इक्विटी। और प्रोसीजरल इक्विटी का मतलब है द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ पे।
ठीक है, कि आप लोगों की जॉब को जो आपने कैलकुलेट करना है उनको कैलकुलेट करने के लिए आप प्रोसेस और प्रोसीजर भी सेम रखो, जैसा कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर किसी भी जॉब को कैलकुलेट करने के लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन वो किया हुआ है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोसीजरल इक्विटी. और प्रोसीजरल इक्विटी का मतलब है द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ पे. अब हम कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रक्चर इसके ऊपर बात करते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनसेशन सिस्टम है उसकी जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स से. इंटरनल फैक्टर्स में जो चीजें शामिल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता होंगी दे आर कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखी जाती है कि आपने अपनी पॉलिसी क्या डेवलप की है. नंबर दो वर्थ ऑफ जॉब मींस आप जॉब्स को इवेल्युएट करोगे और देखोगे कि किस जॉब की वर्थ कितनी है और उसको उसकी वर्थ के मुताबिक आप कंपनसेट करो. तीसरी चीज एम्प्लॉइज रिलेटिव वर्थ कि एक शख्स जो उस जॉब को परफॉर्म कर रहा है वो कितना काबिल है उसके KSAOs उसको आप डिटरमिन करते हो. और उसके बाद एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे कि एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए पे कर कितना सकता है. ये चार आपके मेजर इंटरनल फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनसेशन सिस्टम को इफेक्ट वो करते हैं. इसके बरक्स जो हमारे पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दोज इंक्लूड नंबर वन कंडीशंस ऑफ द लेबर मार्केट कि जहां पर उस जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है जिस इलाके में वहां पर ओवरऑल सैलरी और वेज रेट वो क्या दिया जाता है, वहां पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द लेबर वो कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो. उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में एरिया वेज रेट इसको देखा जाएगा, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखी जाएगी कि वहां पर रिहायशी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को महाना कितना एक्सपेंस वो करना पड़ता है और हो सकता है कि उसके अगेंस्ट आप उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वो पे करो या उनका कंपनसेशन या आप उनको ज्यादा पे करो. इसी तरह कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको देखा जाएगा कि वहां पर जो लेबर यूनियंस हैं वो लेबर यूनियंस मैनेजमेंट के साथ क्या आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स के तहत कंपनसेशन सिस्टम के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं. और उसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनको भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जिस इलाके में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है वहां पर कानूनी तौर पर किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है. जैसे कि आपके मिनिमम वेज एक्ट एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि आप एक खास अमाउंट से कम वेजेस जो हैं वो पे नहीं कर सकते हो. इसी तरह वहां पर जो इलाकाई तौर पर जो लॉज हैं जो रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से नाफिजुल अमल उन तमाम को देखा जाएगा और ये सब कंपनसेशन को इफेक्ट वो कर रही होंगी. अब हमारे पास कुछ स्टेप्स आ रहे हैं जिस स्टेप्स के तहत हम जॉब बेस्ड कंपनसेशन प्लान्स इनको गो थ्रू करेंगे. जब हम जॉब बेस्ड कंपनसेशन प्लान्स डेवलप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा जॉब एनालिसिस का. और जॉब एनालिसिस में दो मेन चीजें हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा कि आप लोगों को याद होगा इट इंक्लूड्स TDRs और जॉब स्पेसिफिकेशन इन विच वी टॉक अबाउट KSAOs. अब जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जॉब को इवेल्युएट भी करना है फॉर इंटरनल इक्विटी ये देखने के लिए कि जिस जगह पर इस जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है क्या उस जगह पर तमाम लोगों को जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं इंटरनल इक्विटी के हवाले से कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब परफॉर्म की जा रही है वहां पर जो बकिया जॉब्स डेवलप की गई हैं क्या उनके TDRs इस जिस जॉब को हम स्टडी कर रहे हैं उसके मुताबिक डेवलप किए गए हैं या डेवलप नहीं किए गए हैं. अब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ये दोनों चीजें मिलकर हमें फोर्थ स्टेप पर लेकर आती हैं जिसमें कि हम वर्थ ऑफ ऑल जॉब्स इसको कैलकुलेट करेंगे और जॉब की वर्थ
कैलकुलेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे विच इज नोन एज कंपनसेबल फैक्टर्स। इसको UCF भी कहते हैं, यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स, जिसके तहत किसी भी जॉब की वर्थ जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब जब हमने जॉब की वर्थ कैलकुलेट कर ली, हमारे पास जॉब एनालिसिस आ गया और हमने ये भी देख लिया कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में इंटरनल इक्विटी मौजूद है, तो फिर हमारे पास स्टेप आएगा जिसके तहत हमें जॉब हायरार्की बनाएंगे। और ये बात याद रखिएगा कि जॉब हायरार्की जब आप करते हो, एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हो, फंक्शन स्ट्रक्चरल डायग्राम डेवलप करते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों की जॉब वर्थ के मुताबिक उन लोगों को उस हायरार्की में वो प्लेस करें। सो फिफ्थ पॉइंट पर आपने जॉब हायरार्की डेवलप कर ली। उसके बाद आप जॉब्स को क्लासिफाई करोगे बाय ग्रेड लेवल्स। तो यहां पर अब आप स्केल्स एंड ग्रेड्स, जिसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, उनको डेवलप करेंगे। स्केल्स एंड ग्रेड्स डेवलप करने के बाद फिर हमारे पास सेवन स्टेप आएगा, जिसमें हम एस्टेब्लिश करेंगे फाइनल पे पॉलिसी, और उसके बाद हम इंडिविजुअल पे असाइनमेंट जो है वो लोगों को एलोकेट वो करेंगे। अब जब आपने ग्रेड्स एंड स्केल्स डेवलप कर लिए, तो उस दौरान याद रखिएगा कि यू हैव टू चेक मार्केट वैल्यू यूजिंग बेंचमार्क और की जॉब्स। ग्रेड्स एंड स्किल्स डेवलप करने के दौरान आपको मार्केट का सर्वे भी करना पड़ेगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस किस्म के काम के लिए वो क्या प्रोवाइड, क्या कंपनसेशन प्रोवाइड वो कर रही हैं। सो आपको मार्केट सर्वेस करने पड़ेंगे फॉर एक्सटर्नल इक्विटी। और जब आप फाइनल पे पॉलिसीज बना लो, तो वहां पर फिर आप क्राइटेरिया फॉर पे पोजीशनिंग विद इन रेंज ऑफ ईच जॉब, एक्सपीरियंस, सीनियरिटी, परफॉर्मेंस, इन सब चीजों को भी कैलकुलेट वो करवाते हो। इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि विद इन पे रेंज पोजीशनिंग क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल इक्विटी, इसको भी मेंटेन करने की जरूरत वो हमें पेश आती है। The next topic we are starting is talking about the times for reviewing jobs and revising descriptions. अब हम ये देख रहे हैं कि चूंकि हमारा पहला स्टेप जॉब एनालिसिस का था, तो जॉब एनालिसिस कब करना चाहिए? सो जॉब एनालिसिस को करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपकी डिफाइन की जा रही है, दैट इज एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू। कि ऑलरेडी आपकी पॉलिसी में ये बात दर्ज की जाएगी कि आपने सालाना बेसिस के ऊपर सपोज अपनी जॉब्स को एनालाइज करना है, और पीरियोडिकली हर साल एक पर्टिकुलर क्वार्टर ऑफ द ईयर में आप अपनी जॉब्स को एनालाइज करोगे। सेकेंड, व्हेन असाइनिंग अ न्यू इनकम्बेंट टू द जॉब, या अगर आपने कोई नए लोगों को हायर किया है, तो ये वक्त हो सकता है कि जब आप जॉब को एनालाइज करो। नंबर थ्री, व्हेन मेजर चेंजेस आर मेड इन द प्रोडक्ट और आउटपुट प्रोवाइडेड बाय अ वर्क यूनिट और इंडिविजुअल, जब आप अपनी प्रोडक्शन में कोई इजाफा करो या कमी करो, या आपने कोई नया वर्क यूनिट डेवलप किया है, तो यह वक्त हो सकता है कि जब आप जॉब्स को एनालाइज करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट मेथड्स और प्रोसीजर्स टू द वर्क प्लेस, कि अगर आप मैनुअल वर्क से ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हो, तो ये वो वक्त हो सकता है कि जब आप जॉब एनालिसिस वो परफॉर्म करवाओ। हमारा फर्स्ट जूम सेशन यहां पर खत्म हो रहा है, सेकंड जूम सेशन में आपसे मुलाकात होती है।